नमस्कार हिम तक पे एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा आचार संहिता लग चुकी है और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आचार संहिता के मैं ये आपको जानकारी कहां से दे रहा हूं, ठीक है। तो आचार संहिता से एक दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, ठीक है। हमने खुद उम्मीद नहीं की थी कि ये नोटिफिकेशन आएगी अभी, परंतु इसकी जानकारी आज जो हमें मिली है, ठीक है, 9 मार्च को ये नोटिफिकेशन निकली थी और जिसकी जानकारी हमने आपको नहीं दी थी, तो सोचा आज आपको जानकारी दे दें। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2019, विज्ञापन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑनलाइन ये पोस्टें भरी जाएंगी, ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की वो होगी 29 मार्च 2019 को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी आपको इसमें लिंक दे देंगे आप। अब जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कुछ, इनको आप पढ़िएगा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी एलिजिबिलिटी देखिएगा, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो देखिएगा, एज देखिए, बाकी हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है और कौन कौन भर सकता है, तो जो भी है ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन आर गिवन एज अंडर, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। अब डिपार्टमेंट नेम है मेडिकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट एंड जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। प्रोफेसर की पोस्ट है ये भरी जाएंगी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा पोस्टिंग होगी, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें। तो नंबर ऑफ वैकेंसी एक भरी जाएंगे, इसमें अलग अलग बहुत वैकेंसी निकली हुई है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, ये मेडिकल की है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी जानकारी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोफेसर की ये दूसरी पोस्ट है, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चंबा के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा, इसकी आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ये आ रही है। उसके बाद है सीरियल नंबर 3 प्रोफेसर की ये पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन और नेम ऑफ पोस्ट देख लीजिएगा, क्लास 1 की ये पोस्टें हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लीजिएगा। उसके बाद प्रोफेसर की एक और पोस्ट है, ठीक है, तो ये पोस्ट सेम इसमें रहेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका जो ये कॉलम है क्वालिफिकेशन का, इसको आप देखते रहिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी को आप छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद है ये प्रोफेसर की अलग पोस्ट है, ठीक है, पैथोलॉजी की क्लास 1 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, MD पैथोलॉजी, PhD पैथोलॉजी और DSC पैथोलॉजी, ठीक है ये। और उसके बाद है प्रोफेसर 6 सीरियल नंबर और ये माइक्रोबायोलॉजी क्लास 1 गैजेटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन का कॉलम जो है ये है, ठीक है, इसमें जो भी क्वालिफिकेशन बताई हुई आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 7 है प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, तो ये प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन की क्लास 1 की गैजेटेड पोस्ट है, एक पोस्ट है MD फोरेंसिक मेडिसिन, इसमें ये चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर 8 है प्रोफेशन कम्युनिटी मेडिसिन, क्लास 1 की पोस्ट है। जॉब लोकेशन सबकी सेम रहेगी, क्लास और नंबर ऑफ वैकेंसी क्या वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा हम आपको जानकारी एक वीडियो बनाकर अदर दे देंगे आपको, ठीक है, कि जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम थे उनके बारे में क्या हुआ और निर्णय क्या लिया गया, तो उनकी एग्ज़ाम की डेट भी आप डिसाइड कर देगी या हम आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अगली वीडियो में जानकारी दे देंगे। सीरियल नंबर 9 है प्रोफेसर जनरल मेडिसिन, क्लास 1 की पोस्ट होगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। उसके बाद ये जो वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी का ये जो कॉलम है इसको आप देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अगर आपको टाइम चाहिए तो हम आपको टाइम ज़रूर देंगे इसमें। उसके बाद है प्रोफेसर रेडियो डायग्नोस और क्लास 1 की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। अब जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है।
आपके जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या होना चाहिए वो इसमें बताया हुआ है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 होल्डर एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन पार्ट टू एंड थर्ड शेड्यूल शुड आल्सो फुलफिल द कंडीशन। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा जो भी है मेडिकल का ये सब कुछ जो भी पोस्ट है मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है डॉक्टर्स में रखे जाएंगे ये पोस्ट हैं। डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आपको पता है क्या होनी चाहिए और मिनिमम 4 रिसर्च पब्लिकेशन इंडेक्स इंडेक्स मेडिकल नेशनल जर्नलिज एंड 1 रिसर्च पब्लिकेशन इन द इंटरनल जर्नल इनको पढ़ेगा आप। और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ये पोस्ट है ठीक है तो प्रोफेसर की ये पोस्ट है आ गई ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। जो भी पोस्ट है हम आपको दिखा रहे हैं इनको आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं ठीक है। ये पोस्ट है इनको आप देख लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत लंबी है पूरी जानकारी हम आपको देने लगे तो नोटिफिकेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पोस्ट है ठीक है आपको यही कहेंगे कि आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करिएगा पूरी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन से और अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। आप HBPSC की वेबसाइट पर जाइएगा रजिस्ट्रेशन करिएगा और उसके बाद फिर इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। 200 तक आपकी फ़ीस होगी इसमें और आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट है इनको आप देख लीजिए। तो बने रहिएगा हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही नमस्कार।